उसकी टेंशन है ना। तो सॉरी, वन बाय वन है ना डिस्कस करते रहेंगे। तो ग्रेजुएशन डेट है 2024 की, मतलब अभी जो मिल गया है। ओके, तो कैसा रहा भाई ओवरऑल, 4 साल कैसे रहे, कौन सा कॉलेज, सारा कुछ ए टू जेड डिस्कस करते हैं भाई। तो डन डन। वन बाय वन रेडी हो जाओ। अच्छा, रियल नाम लव ही है, लव जैन ही है? अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, आसान है, लड़कियों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है बोलना। ये पता नहीं मेरा नाम 2002 में कैसे सोच लिया लव रखना है। मेरे को बोला गया था कि लव LUV, लव कुश वाला होता है ना, राम भगवान राइट के, राइट बट राइट, वो लव लव हो गया और फिर अब मैं हो गया LUV हो गया अब सीन। अरे नहीं, बढ़िया। तो अच्छा, कॉलेज का क्या सीन है, कि कॉलेज कौन सा कैसा रहा पूरा? तो मतलब मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मतलब मैंने JEE की तैयारी करी थी 11th 12th में फिटजी से। सो उससे मतलब ड्रीम तो IIT की टॉप ब्रांचेस का था, बट ठीक है थोड़ी नीचे की ब्रांचेस मिल रही थी IIT राइट, दिल्ली की। तो फिर देन DTU मुझे तभी पता लगा था मेरी दीदी से। सो लाइक माय सिस्टर इज, मतलब मेरी तीन बहनें हैं, तो मेरी उनमें से एक दीदी भी प्राइवेट में है, वो ऊबर में। सो उन्होंने मुझे बताया कि DTU ऐसा कॉलेज है। तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में मैं गया था। तो फर्स्ट ईयर थोड़ा मतलब हमारा मतलब बेसिकली हमारे कॉलेज में बहुत पहले से एल्यूमिनाई वाला और सीनियर्स का जो इंटरेक्शन था हम जूनियर से, वो बहुत ज्यादा था। तो मतलब हमें फर्स्ट ईयर में ही सब कुछ पता लग गया था कि अच्छा कोड फोर्सेस भी कुछ होता है। और फर्स्ट सेमेस्टर में हमें प्रॉपर हमारे लेक्चर्स होते थे कोड फोर्सेस का, कि भाई ऐसे स्टार्ट कर देना, अकाउंट बना लेना, और ओपन सोर्स का पता लग चुका था हमें। मतलब इस मामले में हम थोड़े लकी थे कि हमें इन सब चीज़ों का बहुत पहले से पता था फर्स्ट सेमेस्टर से ही। तो मैं इनिशियली कुछ कुछ ऐसे सीजन्स होते हैं, जैसे हैक्टोबर फेस्ट होता है गिटहब का, उसके अलावा MLH होते हैं, मतलब इन सब में हम फर्स्ट सेमेस्टर से पार्ट लेने लग गए थे। उसके अलावा उन दिनों कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट तो इतना मैं नहीं देता था, बट ये कोडे निंजा वगैरह के कोड केस करके होते थे ऑल इंडिया लेवल पे। सीपी सीपी के क्वेश्चन ही होते थे, तो ये देना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो धीरे 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 इसमें मेरा इंटरेस्ट बनता चला गया था। बट उसके साथ साथ मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट ना थोड़े रीजनिंग, मैथ और थोड़ा सा क्वांटी साइड था। तो देन मैंने थोड़ा उसको भी एक्सप्लोर करना चाहा था, बट देन इवेंचुअली वो उतना हो नहीं पाया था। फिर थर्ड सेमेस्टर में हमारे कॉलेज में सबसे पहले JP Morgan आया था। तो इनका एक हैकाथॉन होता है कोड फॉर गुड। तो इसमें कभी मेरा एक सीनियर इनके लंदन, JP Morgan लंदन के लिए सिलेक्ट हुआ था, तब मुझे ऐसे पता लगा था कि ऐसे JP Morgan है। फिर मैं सिंस क्वांट कर रहा था तो मैंने एक्सप्लोर किया, तो ठीक है फिर पता लगा। तो फिर इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी इनिशियली, इनका एक ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था HackerRank पे। फिर उसके बाद इनका एक हायर व्यू राउंड होता था जो सबसे अलग होता था। मतलब यूजली हर कंपनी का, मतलब जैसे हमारा नॉर्मल होता है बाकी कंपनियों में कि इंटरव्यू होगा बंदा आएगा, इनके में एक वर्चुअल एक होता था, राइट और उसके हिसाब से। तो देन फिर उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह मैंने एक्सप्लेन करे थे। फिर इनका हैकाथॉन था, तो हमारे केस में मतलब तब जस्ट कोविड खत्म हुआ था वेव, तो वर्चुअली था तब। तो मेरा हैकाथॉन हुआ था, 2 दिन का था। सो जब हमने वो जीता था, उसके बाद इससे हमें इंटर्न ऑफर हुई थी। फिर उसके बाद मैंने फिर और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसा होता ना कि एक इंटर्न हो जाती है, तो मतलब हमारे कॉलेज में थोड़ा यह है सीन कि इंटर्न हो जाए। तो फिर उसके बाद नहीं, ये कौन सी ईयर में था? ये सेकंड ईयर के बाद था, हाँ ये सेकंड ईयर, मतलब मेरी सेकंड ईयर खत्म होते होते इंटर्न लग चुकी है। इंटर्न लग गई है थर्ड ईयर वाले साल की, थर्ड हाँ वो जो थर्ड ईयर में देते हैं। तो ईयर में अब देते, जो गॉट मैंने इट। रिसेंटली एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था वो थर्ड ईयर में गया था, क्योंकि एक बार वो थोड़ा बैक एंड में टेंशन रहती है ना इंटर्न की। राइट राइट तो राइट, फिर थर्ड ईयर में देन मैंने एक दो जो गवर्नमेंट इंटर्न होती है, एक हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की इंटर्न होती थी, वो सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट की ही बच्चों के लिए, और एक है नीति आयोग जो हमारा मतलब पहले प्लानिंग कमीशन होती थी ना, बाद में नीति आयोग बना। तो क्योंकि मेरे को बीच में था पता नहीं, अभी थोड़ा गवर्नमेंट का भी थोड़ा बैठ रहा है सीन, तो मैंने एक्सप्लोर करने के लिए, तो नीति आयोग में क्या होता है ना कि आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, वो प्योरली एकेडमिक बेसिस पे होता है उसका, उसका थोड़ा सिस्टम अलग है। तो मैंने लाइक सेकेंड सेमेस्टर मेरी यूनिवर्सिटी ड्रॉप करी थी, तो उस वजह से मुझे एक एज मिला था। फिर उसमें ऐसा होता है कि हमारा जो डीन है, तो मेरे को डीन से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिला हुआ था, तो देन उसको मैंने डाला, तो उस वजह से मेरा वहां से नीति आयोग से कॉल आया था। बट देन नीति आयोग वाली इंटर्न में कर नहीं पाया था, क्योंकि वो मेरी क्लैश हो रही थी JP Morgan से। फिर उस उन्हीं टाइम पे हमें पता लगा था कि MyTeX अब तो खैर बंद हो गया इस साल से, तो बट MyTeX कनाडा के लिए होता है, ऐसी डार्ड वाइज जर्मनी वगैरह, तो ये तब पता लग गए थे।
तो मैंने देन इसमें अप्लाई करने के लिए, बट अगेन हमारे कॉलेज में रूल था कि भाई अगर इसमें जाओगे तो आप अपनी इंटर्न जो लगी है उसको शिफ्ट नहीं करा सकते, कि वो क्योंकि ये होती है माइटेक्स वगैरह 12 हफ्तों की, ऐसे मई या जून से स्टार्ट हो जाती है जुलाई तक। तो हमारे वाले ईयर से इन्होंने ब्लॉक कर दिया था कॉलेज ने कि नहीं नहीं आप अपनी इंटर्न को आगे पीछे नहीं करा सकते, या तो ये करो या वो करो। तो मैंने माइटेक्स में अप्लाई नहीं करा था, तो मतलब मैंने वो एप्लीकेशन ऐसे छोड़ दी थी। उसके जगह हमने मतलब ठीक है क्योंकि थोड़ा उसमें भी इंटरेस्ट था, तो हमारा जो प्रोफेसर है कॉलेज के, वो एक प्रोफेसर है राजेश बिरोक, काफी सीनियर प्रोफेसर थे हमारे वो, तो उन्होंने बायोमेड में उनका काफी से था। तो मैंने बायोमेडिकल में फिर ML की कुछ एल्गोरिदम्स में हमने पेपर लाइक लिखा था उनके अंडर। तो देन उनमें से एक पेपर NIT दिल्ली में एक्सेप्ट हुआ था, एक पेपर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है उसमें एक्सेप्ट हुआ था, बट ऑस्ट्रेलिया तो जा नहीं पाए थे क्योंकि इधर इंटरव्यू थी, तो NIT दिल्ली प्रेजेंट किया था वो पेपर। उसके बाद फिर अब आ गए हम थर्ड ईयर में, ठीक है, ये करते करते पूरा ऐसे थर्ड ईयर अलग अलग जगह आए। एक मैंने दिल्ली गवर्नमेंट वाली इंटर्न करी थी क्योंकि वो मेरी थी 5th सेमेस्टर में, वो मैं कर सकता था, तो वो मैंने कर ली थी। नीट वाली नहीं कर सकता था क्योंकि वो क्लैश करती, और माइटेक्स वाली भी नहीं कर सकता था, वो भी क्लैश करती। तो तो ये ऐसे थर्ड ईयर खत्म होते होते तक की बात है बेसिकली, अभी अभी थर्ड ईयर के तक की बात है। और तो इसके बाद जेपी मॉर्गन स्टार्ट होने वाली है। गॉट हाँ फिर अब समर इंटर्न हो जाएगी थर्ड ईयर के बाद। इट। तो इसमें बीच में मतलब, अच्छा कुछ क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं यार, पता है क्या है, आई थिंक DTU और बड़े बड़े जो कॉलेजेस है ना, इसमें क्या है कि एक तो सीनियर्स का बड़ा प्रकोप रहता है, दूसरा बहुत क्या है कि लोग आपस में ही बड़े क्रिएटिव रहते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट बना लेते हैं ना, तो वो उनके जो प्रॉब्लम्स होती है ना नॉर्मल वाली की, यार यूनिक प्रोजेक्ट्स नहीं है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाती है, राइट? मैं तो इस बताता हूँ आपको एक हाँ बात। मैं फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था कॉलेज में, तो मतलब ना एक हमारी सोसाइटी हुआ करती थी डिकोडर, तो वह दिल्ली की सबसे फेमस सोसाइटी थी उन दिनों। तो वो सोसाइटी में कभी मेरी दीदी थी मेंटोर, तो उन्होंने बताया था भाई तेरे कॉलेज में डीकोडर सोसाइटी होगी उसमें जाइयो। तो मैं 1st सेमेस्टर में गया, तो उसमें जितने भी बच्चे थे वो सब थे ऐसे HFTs के, टावर रिसर्च का एक बंदा, उसकी इंटर्न लेवल करा रहा है, ठीक है, उन्होंने वो बंदे बुला रखे थे। एक बंदा था उन दिनों जंप ट्रेडिंग का बंदा था, वो आके सेशन लेता था एक दो हमारे CPP के, उसी ने एक्चुअली बताया था कोड फोर्सेस क्या होता है। तो ऐसे उस टाइम हमें पता लग गई थी चीजें जो HFT वाला सिस्टम होता है पूरा। तो उस करेक्ट। सोसाइटी का क्या था, तब उनको बनानी थी अपनी वेबसाइट, और उनको ऐसे बच्चे पूरे कॉलेज के हमारे 2,500 थे, और हमारे ऐसे पूरे 4 साल के उनको थे कि भाई ऑनबोर्ड करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, प्रॉपर डेटाबेस, मगर प्रॉपर वेबसाइट जैसे अभी मतलब चलती है ना अपने बहुत सारी, अभी जैसे स्ट्राइवर भैया की भी वेबसाइट है, ऐसी हमारी सोसाइटी की थी उन दिनों, ऐसे ओके बैक 2021। तो उस ओके पे मैंने काम किया था, उसका मैंने ऐसे फ्रंट एंड मतलब रिएक्ट में हमने तब डिजाइन किया था, मतलब सीनियर के साथ किया था ऑब्वियसली मिलके, बट उसके लिए किया था मैंने तब। तो हमारा सीनियर्स के साथ ना मतलब ऐसा ही होता है यार, कि ऐसी सोसाइटीज में आप होते हो जिसमें सारे बच्चे पहले गूगल वूगल के होते हैं, 4th ईयर के होते हैं, हम 1st ईयर के होते हैं, तो कनेक्शंस बनने लग जाते हैं। तो सारे ही कंपनीज का हमें पता लग गया था, और वो लोग ना मतलब जैसे इंटरव्यूज वगैरह भी जो वो दे के आते थे, वो एज इट इज हमारा खुद का यूट्यूब चैनल भी था डीकोडर का, जिसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाई थी। पहले ही वो लीड कोड के हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं, या फिर उनके इंटरव्यू वो अपना जो भी उनको याद रह पाया उसको एक जगह कहीं ऐसे शूट करके देन वो डालते थे, तो हम उसको भी डालते थे। तो ऐसे प्रॉपर मतलब था सिस्टम उसका। तो फिर वो हुआ, फिर मतलब ये सब चलते चलते थर्ड ईयर तक ये चला। फिर मैं आ गया 7th सेमेस्टर में, तो फिर तब मेरे दिमाग में थोड़ा सा आया था कि नहीं यार स्टार्टअप वाला एक है, क्योंकि हमारे कॉलेज में ना मतलब हमारा जो इनक्यूबेशन सेंटर है वो सही में ऐसे थोड़ा सपोर्टिव ज्यादा है, क्योंकि जो PM के हमारे जो हैं वो भी हमारे कॉलेज के ही हैं फाउंडर, ओके तो उनको वो हमेशा से हमारे कॉलेज में थोड़ा फंडिंग वंडिंग को लेके इजीली हमारे यहाँ हो जाती है, कि जो पहली सीड फंडिंग होती है वो मिल जाती है, सीरीज ए भी काफी हद तक पुश करवा देते हैं। तो एक स्टार्टअप है रीवे टेक्नोलॉजीज करके, तो वो था ई वेस्ट को लेके, ठीक है, तो वो B2B बिजनेस था प्रॉपर। तो हमने उनके साथ मिलके जो मतलब ऐसे इंडिया में विजय सेल्स एंड कुछ कुछ बहुत सारे ऑथराइज्ड एप्पल सेलर्स हैं, तो उनके साथ मिलके स्कूल्स में जाके जो भी उनका ई वेस्ट था, या गुड़गांव साइड जितनी भी कंपनी है उनमें से हमने 2-3 को पिच किया था, जैसे AMEX वगैरह, अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह, या फिर एक थी नेटवेस्ट करके भी है मतलब रॉयल बैंक। तो इन सबको पिच, तो वो स्टार्टअप में मैंने काम किया था 7th सेमेस्टर में। अगेन उनके लिए मैंने फ्रंट एंड, साथ में थोड़ा सा बैक एंड का भी काम किया था।
वो सेवन सेमेस्टर में किया था, वो ट्विटर के थ्रू मुझे मिले थे एंड मैंने तब उनको ऐसे रीच आउट कर लिया था। नहीं इसमें अच्छा एक ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ना इंटरनेट पे मिलती हैं फॉर श्योर, राइट, कि अगर आप अपने आप को इंटरनेट पे रखोगे ना काफी टाइम तक, थोड़ा सा शर्म बेचनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको पब्लिक में पोस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आपको एक्सपोजर देना पड़ेगा, बट उससे फायदा मिलता है जितना मैंने भी देखा है ना। और मैं कई सारे लोगों को बोलता भी हूँ कि भाई आप पोस्ट करो, कुछ भी नया बना रहे हो ना पोस्ट कर दो उसे, कि भाई ये मैंने नई चीज सीखी है, मैंने नेक्स्ट जेएस के अंदर सर्वर एक्शन सीख लिए, ठीक है, तो उसको बारे में पोस्ट तो करो, क्या आप दो लोगों को पसंद आ जाए वो आपको ले लें, छोटे से कॉन्ट्रैक्ट के लिए ले लें, है ना, आपको फायदा मिलेगा। तो ये ट्विटर से मिली थी? हाँ, ये स्टार्टअप ट्विटर से मिला था एक्चुअली मेरे को ना, मतलब ट्विटर पे ना अब आप अगर थोड़ा देखो तो थोड़ा ना फिल्टर कंटेंट अब भी है, मतलब उधर ना थोड़े से सेंसिबल लोग हैं। नहीं ट्विटर भी सेंसिबल, तो लिंक्डइन पे तो कबाड़ मच चुका है। ट्विटर पे अभी भी बहुत तरीके से, मतलब अगर आपने अपनी फीड नहीं बिगाड़ी है तो ठीक चल रहा है ट्विटर अभी सही है। तो ट्विटर ना, और ट्विटर पे स्टार्टअप वाले बंदे ना थोड़ा रीच आउट भी अगर आप करते हो, कोल्ड ईमेलिंग वहां पे बहुत तेज है। तू बिल्डस्पेस को जानता है? हाँ, मैंने उसके लिए रजिस्टर किया था, बट मैं उन दिनों मेरी किसी की शादी थी तो मैं उसको थोड़ा ड्रॉप कर रहा है, बिल्डस्पेस बंद हो गया है। अच्छा, मैं ये इनका मई जून में तो कुछ आया था अभी सीजन 5। हाँ, ये देख थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट ये मैंने अभी ट्वीट पढ़ी है फारजा की और ये बंद हो रहा है भाई। भाई इस साल मैंने इसमें रजिस्टर किया था। हाँ हाँ, अभी तो हुआ था, ये अभी हुआ था, इन्होंने अपना लेटर भी शेयर करा है। आई डोंट नो, आई थिंक इनके पास कुछ आई गेस रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं था अभी। और स्टार्टअप्स में क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है स्टार्टअप्स में, कि जैसे आप सैन फ्रांसिस्को बेस्ड हो, राइट, तो आपने 5 बंदे भी अगर हायर करे हुए हैं तो वो 100 के 120 के 130 के आसपास हायर करें, तो आपका जो चर्न होता है ना पर ईयर का वो मिलियन चला जाता है। तो अगर आपका चर्न ही $5-6 लाख है, सॉरी थोड़ा ऑफ टॉपिक ले गया मैं, बट यू नो हेल्पफुल है तेरे लिए भी, है ना, $5-6 लाख अगर आपका चर्न हो गया, लेट से आपके 2 फाउंडर्स हैं, है ना, 50% शेयर है, तो $5 लाख का आपका चर्न है जो कि 4 करोड़ रुपए है पर ईयर का, तो 4 करोड़ बाय 12 आपका कितना हो गया, ऑलमोस्ट $60,000 विच इज अराउंड 50 लाख रुपीज। तो 50 लाख रुपए आपका महीने का चर्न है, इसका मतलब लॉस आप 50 लाख रुपए ले रहे हो, है ना, 5 एम्प्लॉइज के साथ लेट से सैन फ्रांसिस्को में। तो आपको प्रॉफिट कितना बनाना है सोच, आपको करोड़ों में बनाना है, सो दैट 50% आपको मिले। तो मतलब लेट से अगर आप महीने का 2 करोड़ कमा रहे हो तो उसका मतलब ये होगा कि 1.5 करोड़ आपका रेवेन्यू बनेगा, 1.5 करोड़ में से 70-80-90 करोड़ आपका टैक्सेस से डाल के बनेगा, 50% स्प्लिट उसमें फिर इन्वेस्टर्स का स्प्लिट होएगा और फिर आपका 50% स्प्लिट होएगा, सॉरी 70-80 लाख के बाद, नॉट करोड़, उसके बाद आपका स्प्लिट होगा। तो स्टार्टअप्स इतना मुश्किल है गेम सैन फ्रांसिस्को में बनाना। तो अब क्या है कि शिफ्ट इंडिया में हो रहा है, और इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ इंडिया में, क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में सेम जो 4 करोड़ का बर्न है वो आप क्या कर सकते हो, 40,000 में कर सकते हो आराम से ना, इंटर्न हायर कर लो और इंटर्न के साथ फुल टाइम हायर कर लो, उन्हें इक्विटी दे दो, और पैसा देना चाहिए अगर आप वेंचर बैक दो, पैसा दो डेफिनेटली, बट अगर आप मिनिमम सैलरीज अपनी 35-40 हजार भी रखते हो ना 4-5 बंदों की, तो आपका चर्न 2 लाख रुपए बस। तो इंडिया इतना ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर है ना स्टार्टअप्स में, कि बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा हूँ मैं कि आप अपने स्किल्स ले लो बस, टॉप स्किल्स जो है इस टाइम पे ना, नेक्स्ट ईयर्स और सारी चीजें एक बार प्रोजेक्ट्स बना लो अपने, आपको अगले 2-4 साल में बहुत ज्यादा स्कोप दिखेगा इसमें ना, इसमें बहुत ग्रो हो रहा है। इनफैक्ट मैं जिस स्टार्टअप में काम करना स्टार्ट किया मैंने मेरे दोस्त के साथ, तो मतलब उसने एक वेबसाइट बताई थी, कोई यूएस का ही था, वो कह रहा था कि जो ट्रेंड वहां पे होता है 4 साल बाद तो इंडिया में आ जाता है धीरे धीरे। करेक्ट, इंडिया में थोड़ा लोगों को समझ धीरे आता है, और इंडिया का इतना ज्यादा बड़ा मार्केट है ना कि यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, एंड इस चीज का फायदा सही में भारी कंपनी उठाने लग गई है यहाँ पे, अब सब है इंडिया में, धीरे धीरे अब सारा क्राउड फैल चुका है। मेरा तो खुद सेटअप करने का मन है, एक ऑफशोर टैलेंट एजेंसी करने का मन है मेरा हमेशा से, कि आप बाहर के लोग इंडियंस को हायर करें, तो उसमें मैं लगा हुआ हूँ। उसमें एक्चुअली दिक्कत ये है कि थोड़ा सा क्या है कि इंडियन जो डेवलपर्स है ना वो मार्केट में भी थोड़े नए हैं, तो वो एक तो सेल्फ डाउट बहुत है, सेकंड ये कि उनका ऑब्सेशन जो इंडियंस का ऑब्सेशन है ना वो एक तरीके से बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट ओरिएंटेड है अभी, है ना, मैं भी मजाक कर देता हूँ कई बार इंस्टाग्राम पे, बट सर्टिफिकेट ओरिएंटेड अगर आपका वो होगा ना पर्पस होगा लाइफ में, तो आप कभी भी क्या है कि कुछ यूनिक नहीं बनाने की कोशिश करोगे, आपका दिमाग हमेशा ही लगेगा कि इस चीज से जॉब नहीं लगेगी मेरी तो मैं क्यों बनाऊं, है ना। अगर आप डोनेशन की ऐप बना रहे हो,
जैसे अभी भी हम इंडिया में, मैं आपको इंडिया का आपको मतलब बता ही होगा सीन, बट अभी भी यहाँ भी देखो ना एमएनसी में भी ना थोड़ा सा काम इंडिया साइड जो लोग ऑफलोड करते हैं ना, वो उतना ऐसे इन्वेंशन वाला या कोई न्यू नहीं होता, उसमें कोई नोवेल्टी ज्यादा नहीं होती, ये वो सारा काम अपनी तरफ रखते हैं, इधर देते हैं कि भाई अब आप ये करके दे देना ये काम। ये गूगल इंडिया में सेम है, ऊबर में सेम है, ये हर बड़ी कंपनी का सेम हाल हो रखा है। हमारे जेपी मॉर्गन में भी, मैं जिस टीम में काम कर रहा हूँ, तो जैसे हम ना इनिशियली पहले डिजाइन सिस्टम पे वर्क कर रहे थे जो पूरा इनका करता था, तो मैं देखता था इस चीज को, मैंने धीरे धीरे रियलाइज करा कि ये सारा काम उन्होंने अपना कोलंबस रखा हुआ है इधर, तो बस ठीक है यार इधर सस्ते में अब आ गए हैं, ठीक है उनको लिए तो बहुत सस्ते, इंडिया बहुत ज्यादा सस्ता है। और इस हमारा मतलब ना बहुत सस्ता है। यस लास्ट वीक हमारा एक सेशन हुआ था, वो था जो जेपी मॉर्गन का ग्लोबल एआई एमएल हेड है, तो उससे क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि क्या ये एआई एज है, क्या ये एआई एज है, जॉब चली जाएंगी। उसने कहा कि ये नहीं है, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक अभी कुछ नहीं है। एंड मतलब मैं रियलाइज भी कर रहा था इंडिया में नहीं है अभी, इधर इधर बहुत ज्यादा बच रहा है भाई, अभी इधर कुछ नहीं हो सकता इतनी जल्दी, करेक्ट इंडिया अभी करेक्ट, कभी टाइम लगेगा। बट जैसे टाइम। बिल्ड बिल्ड स्पेस जैसी चीजें हैं, राइट? तो बिल्ड स्पेस जैसी चीजें मतलब बहुत ही, ये कह सकते हो कि एक मतलब एक ऐसा आदमी इसे स्टार्ट कर सकता है जो मतलब यू नो बड़ा एक्सप्लोर करने की ताकत रखता है। एक नॉर्मल आदमी तो इंडिया में कभी ये चीज स्टार्ट ही नहीं करेगा, और इंडिया में इस चीज को बैक भी करने वाले बड़े कम लोग मिलेंगे, है ना? आप जैसे बहुत हैकेथॉन्स का देख लो आप इंडिया में, हाँ जो बुरा हाल है वो लिमिटेड, वो सेम लोग दिखते हैं आपको जो बिना हैकेथॉन लोग के भी सही है। हैकेथॉन में कभी आपको ना नया आदमी नहीं मिलेगा कि यार वो चल क्या रहा है भाई यहाँ पे, है पीएचपी क्या होती है ना, लारावेल क्या होता है, वो कभी पूछेगा ही नहीं। वो यही पूछेगा कि जावा कर लेता हूँ, है ना? हम उसके लिए क्या कहते हैं, जॉब के हैकर लिए। उनका कॉन्सेप्ट ना, मतलब जैसे हमारे कॉलेज में जब मतलब हम एक्चुअली ना, मैं आपको मतलब ऐसे मेरे को नहीं करना चाहिए टारगेट, बट हैकाथॉन का ना एकदम से एक ऐसे बस्ट सा हुआ है, बट ना हैकाथॉन को अभी भी उस तरीके से यूज कोई ना कर नहीं रहा है। अब ये धीरे हाँ, धीरे अभी भी नहीं एमएनसी कर रहा। इन लोगों ने थोड़ा, मिंत्रा ने जैसे, जेपी मॉर्गन ने जैसे, ऐसी अब थोड़ा थोड़ा गूगल ने भी अपना एक निकाला है थोड़ा, अभी जेन एआई था कौन सा एक हैकाथॉन स्टार्ट हुआ, हाँ, उन्होंने अब एमएनसी ने थोड़ा सा ऐसे बेड़ा उठाया कि अब हम थोड़ा सा रिफाइन करते हैं क्राउड हल्का सा, नहीं तो बट अभी तो ना अभी भी पता है प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में अभी भी हैकाथॉन सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि वहां कंपनीज हायर करने लग गई हैं, राइट? ये तो कभी पर्पस था ही नहीं हैकाथॉन का। हाँ तो मैंने बिल्कुल 2016-17 में ही मैंने कम से कम नहीं तो 15 हैकाथॉन अटेंड कर ली थी। हम तो घूमते रहते थे पूरा टाइम, हैकाथॉन में जाते रहते थे, जीत गए जीत गए, नहीं जीते तो वापस आ गए। आई ट्रिपल ही होता था इंडिया में, तो ये वो जो होती है काउंसिल, वो कितने करवाती है, इतने हर हर कॉलेज में होती है आई ट्रिपल ही, ठीक है, नहीं और जाता हर, वैसे। हाँ हर सरकारी कॉलेज में आई ट्रिपल ही तो पक्का होती है, होती ही होती है, ठीक है, उनको मिलती है बहुत फंडिंग, और में ऐसा होता है कि सब बच्चों से 1,000-1,000 रुपए लेके आप उस काउंसिल में जुड़ सकते हो, वो एक सोसाइटी मान लो जिसको सरकारी बॉडी चला रही है, ठीक है, ओके तो उनको मिल जाती है फंडिंग की, भाई ठीक है आप ये हैकाथॉन करवा दो, आपको साल में 5 करवाने करवाने हैं, जैसे अभी G20 हुआ था इंडिया में लास्ट ईयर, तो राइट राइट उनको आपको G20 पे एक हमारे कॉलेज को वो बनाया था, क्योंकि दिल्ली में हुआ था G20 का एक जो मेन समिट हुआ था, तो इनको था कि भाई एक करवाना ही करवाना है, क्योंकि पीएम भी आएंगे तो उसमें दिखाना है कि ऐसे ऐसे चला है, तो फंडिंग मिलती है, और कुछ भी चल रहा है उसमें, बच्चे हम ही बोल रहे हैं कि मैं मेंटोर था उसमें, ठीक है, मेरे पास मैसेज आ रखा है भाई देख ऐसे, मतलब मेरे जूनियर आ रखे हैं जितवाना ही है, और मैं कह रहा हूँ भाई इसने कुछ भी नहीं बना रखा है, ये उठा के जो ले आया है ये बनाकर सीधा सीधा फ्रेमवर्क उठा के, ये हो रहा है, फंडिंग मिलती है सरकारी कॉलेजेस में, ठीक है, ये अब पता है हैकाथॉन अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेजेस में बेटर है, मैं सरकारी में तो मैं बता रहा हूँ आईआईटीज में हमारे कॉलेजेस में बुरा हाल है, फंडिंग मिलती है अंधी, आपको मिलता है कि भाई करवा दो, तुम्हें टेंशन बात की नहीं होनी चाहिए, तुम्हें मिल जाएगा आइडिया का, तुम्हें जो अभी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है इंडिया का एक स्मार्ट सर, ठीक है, मैं उसमें 2 बार गया हूँ, एंड ना मैं उसमें 2 बार ऐसे फाइनल्स में यूं पहुंच सकते हैं, मतलब इजिएस्ट वे है। हाँ, बिल्कुल आसान है यहाँ वो। अरे मैं वही बता रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या है कि यार वहां पे एक पहली बात तो कि इंडिया में हैकाथॉन में जा ही इतने कम लोग रहे हैं, और जा ही वो लोग रहे हैं जिनको एक लेवल का एक्सपोजर है। उसके बाद जाके वहां लोग कोई भी इनोवेटिव चीज तो बनाते नहीं है, यूनिक प्रोजेक्ट तो बनाते नहीं। जैसे 2016-17 में पता नहीं कितनी ऐसी, हम तो गिटहब भी यूज नहीं करते थे भाई, वो तो मैं हंसी मजाक करता हूँ इसलिए लोगों को नहीं दिखता है। बट कितने ऐसे हजारों प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो लैपटॉप में थे पुराने, वो खत्म हो गए, हमने तो गिटहब पे भी नहीं डाले। तो वो जो एक्सप्लोरिंग की जो क्यूरियोसिटी जिसे कहते हैं ना, मतलब आज की डेट में तो अगर कोई क्यूरियस है वो चैट जीपीटी से सीख सकता है सारा कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली कहाँ सीख रहा है बंदा।
ये भी तो दिक्कत है ना, वो सीख नहीं रहा है, वो फिर भी सर्टिफिकेट और 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है अपने, है ना, काफी दिक्कतें आ रही हैं। बट एनीवेज जेपी मॉर्गन पे चलते हैं। तो जेपी मॉर्गन का फिर 3rd ईयर में इंटर्नशिप हुई, तो वो कैसा था? वो बहुत ही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने एक्चुअली उनकी पेमेंट्स टीम में वर्क किया था, तो हमारा उन दिनों मतलब मेरी इंटर्न के टाइम ही, मतलब यूजली ऐसा थोड़ा कम पड़ता है क्योंकि इतनी बड़ी एमएनसीज में ना इतने ज्यादा लेवल्स होते हैं। पहली बात तो सेटअप में टाइम लगता है, ये मुझे उधर जाके पता लगा था कि भाई 2 हफ्ते तो शायद लोकल सेटअप ही हो रहा होगा, इतनी बार आरसीएम रेस करनी पड़ रही होंगी, रिक्वेस्ट रेस करनी पड़ रही होंगी, तब एक्सेप्टेंस आएगी। तो वो हुआ, पर मेरा उसमें ऐसा था कि हमारा कुछ डॉक्यूमेंट बार कोडेड पेमेंट्स था, तो यूएस में सबसे पहले उसको रिलीज करना था, तो वो पेमेंट्स का हमारा वो हो गया था, तो मेरा प्रोडक्ट ऐसे लाइव रिलीज हुआ था मेरे सामने। तो ऐसे बाद में ठीक है, हमें थोड़ा अलग से भी उसके लिए गुडीज मिली थी, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उनकी मेन एलओबी थी, वो लाइन ऑफ बिजनेस थी उनकी कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो उसके लिए मैंने किया था। उसके बाद 7th सेमेस्टर में मैंने जैसे बताया रीवे टेक्नोलॉजीज के लिए मैंने वर्क किया था। इसी के साथ साथ मैंने मतलब थोड़ा सा हमारे एक और था प्रोफेसर, तो उनके अंडर हमने साथ में काम करना स्टार्ट किया, और वो अभी भी चल रहा है, मतलब अभी वो ऐसे फाइनलाइज हुआ नहीं है। एक्चुअली एक जर्नल का हमें काम करना है उसमें, तो वो अगेन दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें टास्क असाइन किया हुआ है, तो वो हमारी जो वाइस चांसलर उस टाइम मैम थी, अब तो वो हट गई है, वो डीन है, तो उनके साथ वो कर रहे हैं हम, तो उस प्रोजेक्ट पे भी वर्क चल रहा है। उसके अलावा फिर अमेजोन का हैकॉन, अगेन एक हैकाथॉन था, थोड़ा हैकाथॉन में, तो हैकॉन में हम सेमी फाइनलिस्ट रहे थे, तो उसमें फिर मुझे इंटरव्यू आया था अमेजोन से, तो देन वो क्लियर हुआ था। तो फिर 8th सेमेस्टर में बस दो था, या तो मैं अमेजोन जाऊं या जेपी मॉर्गन जाऊं। मैंने जेपी मॉर्गन पर्सनली इसलिए चूज किया था क्योंकि थोड़ा मुझे अमेजोन की जो टीम मिल रही थी हैदराबाद में, थोड़ा सा मुझे उसका आइडिया लग गया था वो क्या टीम है, तो वो ज्यादा अच्छी टीम थी। हाँ मतलब ऐसा उसको कुछ कहना नहीं चाहूंगा, मतलब ठीक है, मतलब उस वो रीजंस मैंने मतलब पता लगा लिए थे उनके कि क्यों दोनों में क्या चक्कर है, ठीक है, क्योंकि मैं मेरे एक जानने वाले थे दीदी के, तो हमने ऐसे पूरा प्रॉपर बैक एंड में पता लगा लिया था टीम का क्या चक्कर आने वाला है। तो फिर मैंने जेपी मॉर्गन ज्वाइन करी थी बैंगलोर में। फिर अब जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो मेरे उस दोस्त के साथ मैंने अब लाइक वो एक मेरे से 1 साल जूनियर, मतलब उसने ड्रॉप लिया था, जूनियर वैसे है, मतलब वैसे सेम एज ग्रुप है, तो अब उसके साथ मैंने वर्क करना स्टार्ट किया है। कॉज थोड़ा मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जेपीएमसी में बहुत मतलब मेरा बहुत बेटर है, तो इजीली मैनेज हो जाती हैं चीजें, एंड थोड़ा सा मेरे को रहता है थोड़ा सा कि नहीं नहीं एक जगह नहीं बैठ के रहना, मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे डीटी में चला जाता हूँ मैं कि ऐसा नहीं, तो ठीक है, तो ऐसे मस्त चल रहा है, कोई सीन नहीं है। काफी सही, काफी सही, काफी सही। बहुत अच्छी जर्नी रही है यार, एंड काफी मजेदार, तो मजा आ रहा है वो है। तो अच्छा, कुछ जो नए लड़के हैं अपने देख रहे हैं, जिनको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं कि भाई क्या क्या करना चाहिए, एक्सप्लोर करो, डीएसए करो, है ना, डीएसए के चोदे बन जाओ, है ना, मैं देखो बताता बात करें, हूँ, हाँ जैसे क्या क्या चीजें। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर 8 सेमेस्टर हटा दूं, मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 सेमेस्टर की जर्नी है, क्योंकि सिंस चलो ठीक है 7 सेमेस्टर से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर थोड़ा सा टाइम लेके कर लो एक्सप्लोर, बट ना जब एक बार किसी पाथ पे चल जाओ ना, तो फिर पहले उसे कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैंने 1st सेमेस्टर में जब मेरे को एकदम से, मैं एक्चुअली हम ना डेली पहले रहते नहीं थे, तो मैं बहुत ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो जब ऐसे आती टर्म फेंकी गई थी ना, और ना यार जम ट्रेडिंग वगैरह उन दोनों तो चलो सीटीसी बहुत अच्छे मिलते थे, 2021 2022 का 2020 का एरा है, तो ऐसे जम ट्रेडिंग टीआरसी गूगल गूगल भी पहले बहुत ज्यादा था, थोड़ा देता था इधर, अब तो पता नहीं कब गया है, तो बहुत ऐसे आप ना ऐसे ओवरवेलम हो जाते हो कि यार ये भी निकालना है, और थोड़ी ना प्रिपरेशन अलग अलग हल्की हल्की तो हो जाती है। अब लाइक जो एचएफटीज हैं, जो बिल्कुल ही प्योर एचएफटी फर्म्स हैं, वो अलग मांगती हैं, कुछ बच्चे नॉन टेक की भी प्रोफाइल से बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि भाई बेन जाना है या बीसीजी जाना है या जेपीएमसी में नॉन टेक एक्सप्लोर करना है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट बहुत अलग मांगती है, ठीक है उनका एक अलग है, एंड अगर कोई स्टार्टअप एम कर रहे हो, स्टार्टअप्स थोड़ा सा वो अपना वही डीएसए वाला पाथ नहीं लेते हैं, वो लेते हैं कि भाई आपने रियल लाइफ जो किया है उसको आपको करना आना चाहिए, या आपके वो प्रोजेक्ट्स देखेंगे लाइव, नोवेल्टी देखेंगे आइडियाज में, आपका मतलब सोचने का तरीका, आपका हैंडल करने का, आपके आपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी क्या रहे हैं, अगर बहुत अच्छा स्टार्टअप है वो प्रीवियस एक्सपीरियंस भी मांग लेगा, तो पहले 2 सेमेस्टर क्लियर कर लो और सब एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि वो बेस्ट टाइम है, उसके बाद ना फिर इतना एक्सप्लोरेशन का टाइम नहीं मिलता,
फिर उसके बाद ना कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। अब जब 2 सेमेस्टर और बहुत इनफ टाइम होता है, 1 साल का मतलब मेरे को ऐसा लगता है बहुत टाइम होता है, उसके बाद जब आपको पता है तो एक पाथ को फॉलो कर लो। बहुत मतलब अंधी रिसोर्सेज अवेलेबल हो चुकी हैं अब ना लिटरली वो इलॉन मस्क वाली बात है कि यूट्यूब पे सब है गया है, अब सब है। ठीक है, आपको कोई पर्सनल बंदा पसंद है, वेल एंड गुड, उसको फॉलो कर लो, बट कर लो, पूरा कर लो, अंत तक कर लो। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है मोर और लेस सबने अच्छा ही दिया हुआ है, अगर बेकार दिया होता तो वो नहीं चलता, सिंपल सी बात है, सबने अच्छा ही दिया हुआ तो फॉलो कर लो। वो मतलब हो सकता है कि यार मे बी उसने जो एक बनाई हो पाथ, उसमें एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो या एक दो टॉपिक्स ऊपर नीचे करे हो, बट उसने कवर पूरा किया होगा, नहीं तो वो नहीं डालता। लोग आजकल इतने इंटॉलरेंट हो गए, वो हटवा देते हैं उसका, वो बढ़िया ही किया है सबने, करेक्ट सब करेक्ट सबने बढ़िया डाला है। ठीक है, वरना कोई नहीं सुनता, कोई फॉलो नहीं करता। 2 मिनट कंटेंट इतना तेज भाग रहा है ना इंडिया में, वो 2 मिनट में चढ़ेगा, 2 मिनट में उतरेगा, तो किसी किसी का भी फॉलो कर लो, चाहे कोई भी हो। फिर उसके बाद मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है आपने किसी का फॉलो कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा प्रोजेक्ट साइड भी जाओ, सिर्फ डीए करो, क्योंकि ठीक है हो सकता है इंटर्न लेवल पे आज भी हमारे यहाँ वही चल रहा है कि अगर ऊबर या डीशो या कोई भी बैंक या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट आएंगी तो हो सकता है डीएस ही पूछ रही है आज भी, बट इवेंचुअली जब फोर्थ ईयर की प्लेसमेंट में बैठोगे तो वो एक राउंड कई बार ले लेते हैं। जैसे मेरे केस में बता रहा हूँ, मेरे को अमेजोन ने जब मेरा 7th सेमेस्टर में हुआ था तो मेरे से कम आधे घंटे मेरे से जेपीएमसी के प्रोजेक्ट पूछे थे। तो कैसे, उसमें एक बंदा था जिसने काफका पे काम किया था, तो उसने मेरे से काफका पेमेंट एंड कैसे मैसेज मैसेज क्यूज होते हैं हमारे, उस पर उसने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। तो अब लोगों को लगता है कि अमेजोन क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ के आगे बढ़ जाती है, मेरे केस वो नहीं हुआ था। तो वो किसी का कुछ नहीं होता, मतलब मेरे ऐसे दोस्त हैं कि जिनसे गूगल का हुआ था तो उनके गूगल में उनसे ठीक है कुछ से ग्राफ पूछा था, स्टैंडर्ड राउंड होके चला गया कुछ ऐसा। एक बच्चा मेरे में रहा था, उसने ना अपनी इंटर्न करी थी माइक्रोसॉफ्ट में, तो उससे गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट का पूछा था एक राउंड, उसका बिल्कुल अलग अनकन्वेंशनल वे में चलाया उसका इंटरव्यू राउंड। तो ये थोड़ा आपको अपना, एक तो रिज्यूमे बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे ना स्किल सेक्शन में सब लिख देते हैं, रिएक्ट, रिडक्स, नोड जेएस, एक्सप्रेस, ये मोस्ट यूज्ड टर्म्स हैं, ये लिख दो और साथ में लग दो AWS। ठीक है, एंड वो लोग ना सिंपल AWS में ना इतना बड़ा एक वो है, क्योंकि लोगों को लगता है कि डेटाबेस होस्टिंग सब कुछ एक एक बार तो लिखनी है ताकि फुल स्टैक बन जाऊं, और सब लिख देते हैं, एंड ऐसा नहीं होता। एंड एक कुछ ना आजकल AI ML की एक तो इंडिया में आ गई है लहर कि AI ML कुछ चीज हो गई है, बट मतलब मेरे कुछ दोस्त बहुत अच्छे AI ML कर रहे हैं जिनका पेटेंट साइन हो रखे हैं बोश वगैरह के लिए। तो लाइक मैं उनसे बैठ के बात कर रहा था कि यार मतलब क्या सीन इधर, न्यू ग्रेड AI ML भी कम हो रहा है, तो AI ML ना बहुत ज्यादा ही फैल गया है, और बच्चे ना AI ML बस रिज्यूमे में लिख दे रहे हैं, बेसिक स्क्रिप्टिंग पे वर्क करके AI ML लिख दे रहे हैं, कुछ उसके आगे बियॉन्ड किया नहीं है। तो ऐसा कुछ भी मत करो भाई, रिज्यूमे को फेक मत करो, क्योंकि जो सामने बंदा बैठा है ना वो 4-5 साल अब इंडस्ट्री में बैठ गया है, उसको थोड़ी सी खुंदस वैसी मच रही है, वो कर देगा, वो खोल देगा और उसको टाइम भी नहीं लगेगा। एंड भाई थोड़ा सा रियलिटी में जियो, ऐसा नहीं होने वाला कि ठीक है सब चल रहा है चलने दो, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, पता लग जाता है अगर आप थोड़ा सही लेवल पे कुछ डील कर रहे हो तो ठीक है, मतलब मेरे को ये लगता है। उसके अलावा कोर सब्जेक्ट्स हमें तो बोला था इनिशियली फर्स्ट ईयर से ही कि कोर सब्जेक्ट्स पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, हमारे तो खैर कोर्स वर्क में भी था, क्योंकि मतलब मैं ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से था, बट हमारे ऑप्शनल आप ले सकते हो सब्जेक्ट, तो पहले साल से ही क्लियर था कि भाई DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ऊप्स, ये चार होने चाहिए। फिर इनिशियली LLD, क्योंकि एक दो कंपनियां पूछती हैं, जैसे ऊबर हमारे यहाँ 1 राउंड LLD का ही लेती है, इंट्यूट 1 राउंड लेती है हमारे कॉलेज में, उसके बाद फिर आगे तो चलो ठीक है कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये, और उसके अलावा अगर कंपनी जैसे DevRev जैसी है तो फिर आपको आपको अगर आपने प्रोजेक्ट जो लिखे हुए हैं, क्योंकि कुछ कंपनी होती है प्रोजेक्ट ज्यादा पूछती हैं, तो आपको आपका प्रोजेक्ट सिर्फ ये नहीं कि आपने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि वो ना सब पढ़ के जाते हैं, अपना प्रोजेक्ट किसी से मांगा एक्सप्लेनेशन एक बार मांग दी, एक ऑडियो भेज दियो एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट, अब इसमें ना बच्चे फंस जाते हैं, वो कई बार कह देते हैं कि ठीक है आप अपना गिटहब खोलो, ये हुआ है मेरे दोस्त DevRev में, और उसको कह देता अपना खोलो और मुझे कमिट्स दिखाओ, और फिर ना शुरू हो जाओ एक एक करके, ये लाइब्रेरी यहीं क्यों यूज करी, इसकी जगह ऑल्टरनेटिव क्या था। अब उनको वो नहीं पता होता, उनका एक्सप्लेनेशन पता होता है कि भाई वो नहीं पूछेंगे, वो क्यों पूछेंगे, वो मतलब इतने बड़े होने के बाद अगर सामने वाला इंटरव्यूअर इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर है, वो प्रोजेक्ट नहीं पूछेगा, उसको रिज्यूमे पढ़ के समझ में आ रहा है, तुमने 3-4 लाइनें लिखी होती है इंग्लिश में, उसको पढ़ के समझ में आ जाएगा, तो वो लिख के तुम
इंटरव्यू फालतू खींच रहे हो, वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो एक तो ट्रुथ, एक सच्चाई रखो भाई अपने साथ, हकीकत में जियो कि यही है, यही सच्चाई है, यही कटु सत्य है कि भाई इतनी अभी बस की है, सीखते चलो। और कुछ ना लक भाई होता है, ये मैं मान चुका हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं भाई मेहनत मेहनत से सब जीतूंगा, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा देखो उसका भी एक आपको बफर रखना पड़ेगा कि अगर मैं 80% मेहनत करता हूँ तो 20% दिन भी चलना चाहिए, क्योंकि मतलब होता है ये, मतलब हम सब ने कोड फोर्सेस इवेंचुअली या कुछ भी चीज इवेंचुअली सब करते हैं, अगर करना है ही है तो। बट तो भी ऐसा होता है कि यार मतलब मैं निकलूंगा या मेरा दोस्त निकलेगा, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो थोड़ा सा देखो लक फैक्टर होता है, सामने इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो ऐसे कुछ कुछ चीजों पे आपको पेशेंस रखनी है कि ठीक है हो जाएगा इवेंचुअली। कंपनीज बहुत है, बहुत कंपनीज है, और मोर और लेस सब अच्छा पे करने वाली कंपनी बहुत सारी है, मतलब हमें पता सिर्फ 4-5 होता है। और एक जो वर्ड है उसको थोड़ा सा उसकी वो कम करो कि भाई सिर्फ वो ही नहीं है, बियॉन्ड बहुत ज्यादा है। मतलब ठीक है वो कंपनीज ऑब्वियसली वो कुछ वर्थ रखती हैं, बट वो ना वो लोग ना थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, वो ना उनका है कि वो मार्केट कैप में इतनी बड़ी है कि वो टू बिग टू फेल वाली कंपनीज है, बट उसका हमारे लेवल पे हम बहुत जूनियर लेवल पे हैं। लाइक मैं तो इवन ये भी कहता हूँ लोगों को कि आप स्टार्टअप्स में जाओ, क्योंकि जितना आपको वहां सीखने को मिलेगा ना अर्ली स्टेज पे, वहां आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप पूरे पूरे प्लेटफॉर्म बनाओगे, फाउंडर्स के साथ बातें करोगे, एक्सपोजर मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेट रियलिटी क्या है इंडिया की कि अगर तो इंडिया के मार्केट को समझेगा तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो फेमस चीज है वो है गवर्नमेंट एग्जाम्स। और गवर्नमेंट एग्जाम क्यों फेमस है, क्योंकि लोग सभी यही चाहते हैं कि हमें ऐसी नौकरी मिल जाए जो हमें 50 साल तक तंग ना करे। हमें भैया आज नौकरी दे दो और हमें अगले 50 साल अपन रिलैक्स हो जाए, 10-20 हजार रुपए मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हमें तंग मत करना डे टू डे आके, है ना, वो चाहिए सबको मेजरली। तो मार्केट थोड़ी स्क्यूड है और अनफॉर्चुनेटली बिल स्पेस और ऐसी चीजें आ रही हैं। बट एक पॉइंट है, मतलब मैं उसमें इतना गलत भी नहीं मानता उन लोगों की, यार हाँ यार मतलब हर दिन एक अनसर्टेनिटी के साथ उठना हर कोई नहीं चाहता, या उतनी सबके भाई फैमिली में या थोड़ा तो ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है क्योंकि लेऑफ्स ज्यादा हो रहे हैं, मतलब हर दिक्कत आ रही है, एपेटाइट नहीं होती ना रिस्क की भाई। हाँ मतलब ठीक है यार, कुछ लोगों बहुत ज्यादा ही हम्बल बैकग्राउंड से आ जाता है तो उनको नहीं होता कि यार अगले दिन 1 करोड़ की नौकरी थी, अगले दिन है ही नहीं, उनका मेल आ गया कि चलो बाय बाय, तो इतना हर कोई नहीं भी झेल पाता। तो ठीक है मैं मानता हूँ हाइप जो है भाई सारी एमएनसीज की वो वर्थ इट है, कहीं किसी लेवल तक वर्थ इट भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको ना उसको ही मत कर दो भाई। मतलब ना इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी कंपनी दे दो, सही में अच्छा वो एमएनसी ही है और वो बहुत अच्छा पे कर रही है, एक तो वही यार जो IAS की है ना कि रील्स में जो दिख जाता है ना सेम वो हो गया है MNCs में, और ये LinkedIn में, मतलब मैं इसको थोड़ा सा ना लिंक्डइन जैसे जो किया है ये UPSC के लिए जो इंस्टाग्राम ने किया है ना वो लिंक्डइन ने किया है इस फांग या मांग या जो भी ये वर्ड पूरा है। लिंक्डइन पे भी भाई वीडियोस आ चुकी हैं, ये बर्बाद करके छोड़ेंगे बच्चों को। हाँ तो वो यार उनकी गलती नहीं, मतलब मैं ना सही में मैं पहले सोचता था कि यार ऐसे कौन ही बच्चे होंगे, मतलब कोई बात नहीं भाई, मेरे को नहीं लगता ये गलती क्राउड है भाई। मैं जब रियली मैं उतरा तो मेरे को सही में समझ में आया, जब मेरे को भी मैंने एक दो इंटरव्यू लिए और मैं थोड़ा ठीक है अपनी, मतलब ऐसा होता है ना हमारे में कि आप भले ही सीनियर पास आउट हो जाते हो बट आपको अपनी सोसाइटी के लिए अगेन आपको करना ही पड़ता है, जैसे हमारे सीनियर्स ने किया। तो मैं सही में भाई देखता हूँ और कॉलेजेस में भी हम तो नहीं पता बच्चों को कुछ भी नहीं पता बच्चे, मतलब मैंने अभी कोड फोर से तो कॉन्टेस्ट दिया था लाइक लास्ट वीक, और उतने पर मैं मतलब एक्सपर्ट बन जाता भाई, टेलीग्राम पे आधे घंटे में आंसर है, आधे घंटे मैंने कहा भाई मैं नहीं बन सकता अब कुछ नहीं गया टाइम में अगर बन पाता, क्योंकि यार वो हर जगह बिक रहे हैं। MyTech इन्होंने क्यों बंद करा, बच्चे जाते थे, बच्चे फिर वो उधर से मिलते हैं रुपए 5.5 लाख मिल जाते हैं INR में, वो लेके अपनी आगे दूसरी नौकरी तो उन्होंने कहा भाई तुमने पर्पस ही डिफीट कर दिया, हमारे देश में आके हमारी रिसोर्सेज यूज करके तुम इंडिया में नौकरी कर रहे हो भाई, चीज बच गई है अब जो बची हुई है एक दिन वो भी पेल दी जाएगी। तो ठीक है काफी सही यार लव भाई, बहुत मजा आया बात करके, एंड आई थिंक रैप अप कर सकते हैं यहाँ पे। कोई और सवाल जवाब रह गया हो? आई थिंक सब कुछ कवर कर ही लिए।
मैं एक फोटो फोटो ले सकता हूँ ताकि हाँ अभी बंद तो कर लें, इसे बंद तो कर दें, हाँ इसे रैप अप कर लूँ।